में एक साधु हाथ में गन लेकर बैंक में पहुंच गया और स्टाफ को बैंक लूटने की धमकी दी। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन न मिलने से नाराज साधु ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना तमिलनाडु के तिरुवरूर की है। वहीं साधु की पहचान थिलुमलाई स्वामी के रूप में हुई है, जो तिरुवरूर जिले के एक गांव में रहता है। आपको बता दें कि साधु की बेटी चीन से मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वहीं साधु उसकी पढ़ाई के लिए लोन लेने सिटी यूनियन बैंक पहुंचा था, लेकिन वहां के स्टाफ ने उसे लोन देने से मना कर दिया, इसलिए साधु ने इस घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।